चीज बस पिज्जा बनाने के लिए यहाँ लेंगे हम 100 ग्राम मैदा, 50 ग्राम के करीब खट्टी दही, ये हमने लिया है बेकिंग सोडा 3/4 चम्मच, 1/4 लेंगे हम सोडा, 1 चम्मच हमने यहाँ पे लिया नमक, 1 चम्मच चीनी और 2 से 3 चम्मच के करीब हम ऑयल लेंगे। सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे, अब इसमें हम दही डालेंगे, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, नमक और चीनी। अब इसका हम एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ये देखिए हमारा ये डो अच्छे से तैयार हो गया है। अगर आपको थोड़ा टाइट लगे तो आप थोड़ा दही और डाल के इसे सही कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 से 2 चम्मच के करीब, इससे जो है आपका पिज्ज़ा बहुत सॉफ्ट बनेगा। और इसको आपको खूब अच्छे से मसलना है, पीटना है इसे एक तरीके से, इस तरीके से आप इसे पीट लें। अब इसको हमें अच्छे से हाथों से मसल के इस तरह से करना है, क्योंकि हमें इसको रेस्ट नहीं देना है, इसे आप पटक पटक के भी गूंथ सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, और चाहे तो हथेली की सहायता से इसको अच्छे से दबा के तैयार कर लीजिए। देखिए हमारा ये बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया है। अब इसको हम 2 पार्ट में बांट लेंगे, तो आधे से कम जो है हम अलग निकाल लेंगे और इसे अलग हम रख देंगे। अब हम थोड़ी सी लोई लेंगे और इसको हम थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे अपने फ्लैट सरफेस पे और इसकी एक रोटी बनाएंगे। थोड़ा सा ये आटा लगा लेंगे मैदे का ताकि ये चिपके नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी उतनी बड़ी हमें रोटी बनानी है, जितना बड़ा आपको उस जैसे हमने ये प्लेट ली है इसके ऊपर हम बनाएंगे, तो इसके साइज के अकॉर्डिंग आपको रोटी बनानी है। ये तवा मैंने रख दिया है और अब इसमें मैं मैदा छिड़कूंगी थोड़ा सा। अब ये जो हमने इसकी रोटी तैयार करी है इसको हम इस पर डालेंगे, हमें ज्यादा सेकना नहीं है इसे। बस जब ये हल्का सा हो जाएगा, इसे हमें लाल भी नहीं होने देना है, बिल्कुल कच्चा कच्चा सा ही रहने देंगे, इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे फिर उतार लेंगे। हमारा हल्का सा हो गया है, हम इसे पलट देंगे। बस ये हमारा हो चुका है, अब हम इसे उतार देंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने नमक डाल दिया है। ये नमक मैंने पहले भी कई बार यूज कर लिया है, इसीलिए काला दिख रहा है आपको। तो मैं इसे प्री हीट के लिए रख दूंगी 5-10 मिनट के लिए, और बीच में मैंने इसमें एक कटोरी सी लगा दी है। आपके पास अगर कोई बेस हो या कुछ हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम एक प्लेट ली है जिसमें मैं पिज्जा बनाऊंगी, तो इसी साइज के अकॉर्डिंग हमें पहले रोटी बनानी है। साइज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज पे आप बनाएंगे उसका साइज आपको लेकर के रोटी बनानी है। और इसमें मैंने ग्रीसिंग कर ली है, मैंने इसमें मक्खन लगा दिया है, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। और इसे अब मैं इसमें ही रख करके प्री हीट करूंगी। अब हम लोई तोड़ेंगे इसकी और इसकी रोटी बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो बर्तन आप यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप साइज तैयार करेंगे इसका। आप इसको बेलते समय मैदा का यूज कर सकते हैं।
अगर आपके मक्के का आटा हो तो आप मक्के का आटा भी ले सकते हैं, उससे थोड़ा क्रिस्पी हो जाते हैं। इस तरह से हमें रोटी पूरी बेल लेनी है, जो ज्यादा मोटी भी ना हो और पतली भी ना हो, जैसे आप रोटी घर में बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये हमारी रोटी तैयार हो चुकी है, अब इसका साइज ले लेंगे हम। देखिए ये इसमें प्लेट में पूरी आ रही है, तो इसी तरह से आप भी अपना साइज ले लीजिएगा। अब ये देखिए आपने, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, मैंने इसे ग्रीस कर लिया था प्लेट को और ये हमारी बेल चुकी है। अब इसे आप इस ढंग से फोल्ड करके उठाइए ताकि हम इसे प्लेट में आराम से फिक्स कर सकें। ये देखिए इस तरीके से ये आपका इजीली इसमें आ जाएगा। अब इसे हम कांटों की सहायता से, कोई भी कांटा या कोई भी आप ले सकते हैं नुकीली चीज, उससे थोड़ा सा इसे हम गोद लेंगे ताकि ये फूले ना हमारा पिज्जा। इस तरीके से आप अच्छे से छेद कर लीजिए। ये अमूल की चीज स्प्रेड है, इसे हम लगाएंगे बेस पे। आप चाहे तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, अलग अलग कंपनियों के आते हैं, गो के भी आते हैं। ये स्प्रेड लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल आपको सेंटर में लगाना है, बिल्कुल कोने तक नहीं लगाना है, क्योंकि जब ये बनेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, इस वजह से आप सेंटर पे लगाइए इसे। अब इसके ऊपर जो हमने रोटी तैयार कर दी थी उसको लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर इस तरीके से। और इसके ऊपर भी हम कांटों से गोद लेंगे थोड़ा सा कोने कोने में। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिंग्स लगाएंगे, इसकी सॉस लगाएंगे। मैं यहाँ पे चिली सॉस लगा रही हूँ। अब इसमें हम मोज़रेला चीज डालेंगे। और इसके बाद हम लगाएंगे प्रोसेस चीज, इसके बाद हम टॉपिंग्स लगाएंगे। अब इसमें हम टॉपिंग्स लगाएंगे, वो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे प्याज लगा रही हूँ। और प्याज के अलावा लगाऊंगी मैं यहाँ पे शिमला मिर्च, इसके साइड से हम लगाएंगे मक्खन। आप उंगली की सहायता से या ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे प्रोसेस चीज। अब इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। हो चुकी है कढ़ाई, अब हम इस पे रखेंगे इसे। बहुत सावधानी से रखिएगा, कढ़ाई गर्म है और इसे अब हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। अब देखते हैं कि हमारा पिज्जा तैयार हुआ या नहीं। इसे दोस्तों बहुत सावधानी से निकालिए ताकि हाथ ना जल जाए, बहुत गर्म है। देखिए बिल्कुल हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल तैयार है, इसे हम कट कर लेंगे। ये थोड़ी देर आप रखे रहने दीजिएगा क्योंकि बहुत तेज गर्म होगा।
फिर से आराम से कट करके आप खाइए। इसमें मैंने ओरिगानो भी डाल दिया है। ये देखिए अंदर से कितना चीजी बना है। इसे आप घर पे बनाइए और जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।